हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय टेट क्लास फ्रेंड जो यूपी से रिलेटेड है उनके लिए टीटी -टी से संबंध बहुत अच्छी न्यूज़ है देखिए मेरे पास एक पेपर का कटिंग है यहाँ पे टीटी -टी के बारे में जानकारी दी गई है दिया है कि टीटी -टी अक्टूबर में यानी कि अक्टूबर महीने में आपके टीटी टी, -टी के एग्जाम हो सकते हैं और अगस्त से आपके आवेदन लिए जा सकते हैं तो आपके पास वक्त बहुत कम है आप देख रहे हैं और जो लोग टीटी की यू पी की तैयारी करना चाहते तो वो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाए और जो पुराने सब्सक्राइब हैं वो एक्टिव भी हो जाए और मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे यू पी की तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है तो जो लोग पिछड़ चुके हैं प्लीज़ वो एक बार जुड़े और प्ले में जाकर उन वीडियोज़ को देख लें तो यहाँ देखिए इस पेपर की कटिंग को देख लेते हैं यहाँ दिया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा दो अगस्त में आवेदन लिए जाएंगे यानी अगस्त के प्रारंभ में या लास्ट में आपके आवेदन लिए जा सकते हैं फिर वही कहा जाए कि परीक्षा अक्टूबर के पहले हफ्ते में ली जाएगी ये क्लियर हो गया कि परीक्षा आपके फर्स्ट अक्टूबर में लिए जाएंगे और साथ में देखिए इस संबंध में परीक्षा नियामक प्राधिकारी इस हफ्ते प्रस्ताव शासन को भेजेंगे यानी कि परीक्षा नियामक जो अधिकारी इन्होंने ये इन्होंने ये टाइम टेबल बनाया है और ये शासन को भेजेंगे ताकि इसी डेट्स के अकॉर्डिंग आपकी एग्जाम और फॉर्म भरे जा सके आगे दिया है अभी तक टीटी के लिए कोई निश्चित कैलेंडर नहीं बन पाया है क्योंकि जब देखिए शासन की जब तक उस पर मुहर नहीं लगेगी क्लियर नहीं कहा जा सकता कि नहीं ये ऐसी डेट पे सारी चीज़ें होंगी इसलिए कहा जा रहा है कि इसका कोई कैलेंडर अभी नहीं बन पाया है और राज्य सरकार चाहती है कि टीटी और शिक्षक भर्ती शैक्षिक सत्र के मुताबिक किया जा सके लेकिन लाख कोशिकों के बावजूद भी ये संभव नहीं हो पा रहा है यानी कि जो जिस तरह से हमारा शिक्षा का सत्र चलता है टीटी का भी उसी तरह से एग्जाम हो सके उस सत्र के अकॉर्डिंग उसे समाप्त किया जा सके ताकि सत्र प्रारंभ होने तक में बच्चों को नए टीचर मिल सके तो कहा ला कोशिशों के बावजूद भी ऐसा नहीं हो पा रहा और कहा जा रहा है कि 2011 से हो रही है ये परीक्षा जो टीटी की परीक्षा है वो आपकी 2011 से चालू हुई है और शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद प्रदेश में 2011 से यह परीक्षा हो रही है 2011 में बहत्तर हज़ार आठ सौ पच्चीस प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती से पहले टीटी कराई गई और कहा जा रहा है कि इसकी मेरिट के आधार पर भर्ती होने का मामला विवादित हो गया पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला सुनाया लिहाजा 2012 में इसी कारणों से टीटी के का एग्जाम नहीं हो पाया और दिया है कि अभी तक देखिए जो टीटी का एग्जाम हुआ है उसका एक ग्राफ दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस समय कितने स्टूडेंट पास हुए हैं तो अब तक की टीटी पर एक नज़र देखिए आपका 2000 हज़ार दिया है और अभ्यर्थी 2011 हज़ार की हम बात करें तो कितने विद्यार्थी सफल हुए थे फॉर्म तो देखिए बहुत भरे गए थे लेकिन जो विद्यार्थी सफल हुए हैं उनकी ये लिस्ट है तो 2011 में आपके दो लाख बानवे हज़ार नौ सौ तेईस विद्यार्थी सफल हुए थे वहीं अगर 2013 की बात करें तो एक लाख दो हज़ार सात सौ पचपन विद्यार्थी सफल हुए थे 2014 की बात करें तो एक लाख चौरानवे हज़ार सात सौ विद्यार्थी सफल हुए थे वहीं 2015 में देखें तो एक लाख छियालीस हज़ार चार सौ पंद्रह विद्यार्थी सफल हुए थे वहीं 2016 में देखिए पचहत्तर हज़ार तीन तो सौ विद्यार्थी ही सफल हो पाए हैं वहीं 2017 की हम बात करें तो नवासी हज़ार आठ सौ पैंसठ विद्यार्थी सफल हुए अभी हाल ही में जो 2018 का एग्जाम बीता है उसमें देखिए पाँच लाख चौवन हज़ार नौ सौ इकतीस विद्यार्थी सफल हुए हैं यानी कि जो ग्यारह से अगर हम अठारह तक का पूरा रिजल्ट देखें टी का तो कितने विद्यार्थी सफल हुए हैं तो टोटल आपके देखिए यहाँ पर दिया है कि नौ लाख अब तक पास हुए हैं जिनमें से मात्र डेढ़ लाख विद्यार्थियों को ही नौकरी मिल पाई है नीचे और देखिए क्या दिया है कि वर्ष 2011 में अब तक टीटी में नौ लाख दो हज़ार बारह विद्यार्थी पास हुए हैं कि अभी तक जितनी भी टीटी के की एग्जाम करवाए गए हैं अगर टोटल हम इस वक्त देखें तो नौ लाख दो हजार बारह विद्यार्थी हैं जो टीटी पास हैं और इनमें से मात्र एक लाख बावन हज़ार शिक्षक ही बन पाए हैं यानी कि अन्यथा जो विद्यार्थी हैं वो अभी ऐसे ही घर पर बेरोजगार बैठे हैं हालांकि यूपी में उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी कराने वाली अभ्यर्थियों की सरकार प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने का मौका नहीं मिलता यानी कि जो बी कर लेते हैं उनको प्राइमरी में मौका नहीं मिलता एक चांस मिला था आपको उस वक्त जब दो की भर्ती हुई थी बहत्तर हालांकि वो भी विवादित थी पूरी तरह से सिटी क्लियर भी नहीं हो पाई हैं और यहाँ पे दिया है कि शिक्षक बनने का मौका नहीं मिलता अपवाद के रूप में 2013 में उनतीस हज़ार तीन सौ चौंतीस गणित व विज्ञान के शिक्षक जूनियर स्कूलों की भर्ती आई थी जिनमें भर्ती हुई है तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे केवल है कि एक आंकड़ा दिया गया है कि आपकी एग्ज़ाम कब तक हुए तो ये क्लियर समझ लीजिए क्योंकि अगर प्रशासन को ये सूचना जाती है तो इसी डेट पर आपके एग्जाम होंगे तो अगस्त तक के प्रारंभ में या लास्ट में आपके आवेदन आ जाते हैं आप आवेदन कर लेंगे और अक्टूबर में आपकी एग्जाम हो जाएगी तो फ्रेंड्स यहाँ तो क्लियर हो जाता है आपका यू की डेट तो ये समझ लीजिए कि आप यू पी टी आपसे बहुत दूर नहीं है अगर आप सफल होना चाहते हो तो मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ो और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें तो फ्रेंड जैसी कोई अगली न्यूज़ आती है आपसे फुल लेकर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार